हाय फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की पहली खबर है ओमी सिंह के बारे में। ओमी सिंह जो कि 27 वर्षीय ईरानियन खिलाड़ी हैं, ओमी दरअसल एज अ लेफ्ट विंगर खेलते हैं। ओमी सिंह ईस्ट बंगाल एफसी के साथ र्यूमर्स में थे। ओमी सिंह ने लास्ट सीज़न अपने क्लब के लिए 4 अपीयरेंसेस किया था, वो भी पैनेडमिक की वजह से। ओमी सिंह एज अ अटैकिंग मिडफील्डर भी खेल सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ओमी सिंह इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, इसलिए इंडियन फैंस काफ़ी खुश थे कि नेक्स्ट सीज़न हमें ओमी सिंह आईएसएल या आई लीग में देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि ईस्ट बंगाल एफसी नेक्स्ट सीज़न आईएसएल नहीं खेलेगी, तो ओमी सिंह ने अपना कॉन्ट्रैक्ट ईस्ट बंगाल एफसी के साथ मना कर दिया है, कहते हुए कि अगर ईस्ट बंगाल एफसी आईएसएल नहीं खेलेगी तो वो ईस्ट बंगाल एफसी के लिए नहीं खेलेंगे। तो आपको क्या लगता है कि उनका ये डिसीज़न सही था? और रही बात ओमी सिंह की, तो आपको क्या लगता है कि ओमी सिंह नेक्स्ट सीज़न किस क्लब के लिए खेलेंगे? क्या वो आईएसएल खेल सकते हैं? अगली न्यूज़ है मार्कस न्यूमायर के बारे में। मार्कस न्यूमायर 34 वर्षीय जर्मनी के खिलाड़ी हैं, वो एज अ अटैकिंग मिडफील्डर खेलते हैं। मार्कस एफसी गोवा और मुंबई सिटी एफसी दोनों के साथ र्यूमर में है। मार्कस जर्मनी अंडर-19 को भी रिप्रेजेंट कर चुका है। लास्ट सीज़न मार्कस ने जर्मनी का चैलेंज लीग खेला था, जिसमें उन्होंने 7 गोल्स और 9 असिस्ट किए थे और 27 गेम खेलते हुए। वो एज अ सेंटर फॉरवर्ड भी खेल सकते हैं। उन्होंने 1 साल मैनचेस्टर यूनाइटेड अंडर-18 के लिए भी खेला है और 1 साल मैनचेस्टर यूनाइटेड अंडर-23 के लिए भी खेला है। जब उन्होंने अंडर-23 टीम को रिप्रेजेंट किया था, तब उनके साथ रोनाल्डो और ब्रूनी भी खेलते थे। जैसा कि आप सबको पता है कि हुगो बोमस मुंबई सिटी एफसी के साथ र्यूमर में है। अगर हुगो मुंबई सिटी एफसी की तरफ से खेलने लगे तो वो गोवा एफसी को साइन करेंगे, और अगर हुगो गोवा में ही रह गए हैं तो मुंबई सिटी एफसी को साइन करेंगे। आपको क्या लगता है कि वो किस क्लब को साइन करेंगे? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे।